ला देंगे जी, ला देंगे आही अपने हकों की राखी लई खेती कानूना नू रद्द करवाउण लई इस संघर्ष च विराजमान किरती जोधिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इहदे विच कोई शक नहीं कि संघर्ष है जिहड़ा लंबा हो गया। मेरे याद है जदों जथेबंदियां तुरियां तां उदों उहनां नू पता सी कि जिहड़ी सरकार नाल वाह वास्ता पिया है साडा तां उह कोई छेती मन्नण वाली नहीं। जिथे भी लकीर कढ़दी है, जिथे भी कदम पटती है, फिर बैक नहीं कटती, तो अपनी बेइज्जती समझती है हर एक कदम नू पिछे लैण दी। ते सरकार भी चाहती थी संघर्ष है जिहड़ा लंबा जाए, जाके तुसी थक जो हंभ जो थोनू हरा लिया जाए। पर उन्होंने की पता सी कि जिहड़ा वाह वास्ता पिया किरती लोगों नाल पिया जिन्हां दे विच रब वसदा है, वह लोगों की लुट खसुट लोगों के हकों के डाका मार के एक पैसा कमाउण वाले लोगों नू की पता है कि यह लोग जिहड़े खेतों के मिट्टी नाल मिट्टी हो के सारे देश का ढिड भरते ने, दसा नौहां की किरत करते ने, परमात्मा की रजा च रहिंदे ने। सो इन्हां नू तुसी तां की दुनिया की कोई ताकत है जिहड़ी हरा नहीं सकती। सो दूजी इस गल की बधाई दिंदा मेरियां भैणां बैठिया बजुर्ग बैठिया सरकार नू, लगदा सी वी हुण वढाई आ जाणी आ, इधरों कणक झोने की लवाई आ जानी है, बिच मौसम ने भी कोई कसर नहीं छड़ी कि हम के थक के सारे तुम घर तुर जाओगे। सो इस गल की बधाई देना कि जी परख की घड़ी है उहदे विचों तुसीं निकल चुके हो। दूजी कि लोगों की हमदर्दी, लोगों का सहयोग तुहाडे नाल जुड़ गया। जिहड़े लोग इस मोर्चे दे विच भी नहीं आ सकते, देशों विदेशों के भी बैठे ने, वह भी उड़ीक करते हैं कदों किसान जित के अपने घर आन, ये दिन कदों आऊगा। सो इस गल की भी बधाई दिना। सो हुण दूजी गल कि जिहड़ी हुण किसान अंदोलन की दूजी लहर उठन वाली है, क्योंकि धुप्पां तुसीं हंडा लियां, सर्द रातां तुसीं हंडा लियां, तूफान मीह झक्खड़ थोड़े सिरां तों लंघ गए, थोड़िया झुग्गियां नूं उड़ा के लै गए, तो सरकार ने भी कोई कसर नहीं छड्डी, जिहड़ियां चालां चलणियां सी वह भी चल के देख लिया। तो हुण तक ये थोड़े जिहड़े हौसले ने उदों ही बुलंद ने, वर चढ़दी कला च थोड़े चेहरे ने, तो हुण ये अंदोलन जितना कोई वड्डी गल नहीं। तो हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई। तो सारे नौजवान भरावां नूं जिन्हें भी तुसीं बैठे हो, मैं बेनती करूँगा कि हुण जुड़न दा समां, हुण आपां वेले हो गए हाँ। सारे कलाकार कल भाई बब्बू मान, अमतोज मान, असी गाजीपुर के बार्डर से गए तो उत्थे भी साढ़े जिहड़े लोग ने मोर्चे वाले चढ़दी कला च ने पूरी आसबंद ने इस मोर्चे नू लैके। सो सारे फिर मैं आप सब नू बहुत बहुत बधाई दिना कि तुसी जिहड़ा मोर्चा हुण जित्ती बैठे हो, हुण पिछे हटण वाली गल नहीं रही, मौसम भी ठीक हो गया, तो जिहड़ी दूजी लहर है जल्दी इहनां दा नाले तां बोरी बिस्तरा गोल करांगे, ते नाले जिहड़ा तुहाडा इह अंदोलन है ये दुनिया का सब तो लम्मा शांतमई एक जेतू अंदोलन के तौर पर, जेतू संघर्ष के तौर पर दुनिया के नक्शे पर जाणिया जाऊगा। सो दो क लाइना मैं थोड़ा सुना भी देव, क्योंकि बाबू सिंह मान साहब इतने अक्सर आते जाते रहे कलाकार लेखक, उन्होंने बहुत खूबसूरत लाइना से किसानों से उदो दौर चलिया कि गाना गाया जाए कि एक किसान अंदोलन के योगदान पाया जाए कोई ना कोई गीत गा के, फिर मैं उन्होंने फोन करके आ गाना गाया सी। तो उहदियां दो लाइना मैं जरूर बाकमान लिखिया ने तुहाडे नज़र करूँगा। हाथी किरत कमावण वाला हो रब दियां दित्तियां खावण वाला, हाथी किरत कमावण वाला रब दियां दित्तियां खावण वाला, मंड के छकण छकावण वाला जद इंसान बोलदा ऐ, उसती कूक अंबर तक जाती जदों किसान बोलदा ऐ, कूक सुने कर रब दे जदों किसान बोलदा ऐ, फसल किसान नूं हुंदी अपने पुत्तरां वांग प्यारी, अंदर खाते हक साडे ते फेर दित्ती गई आरी, पैसा पैसा जोड़ जोड़ असी मुल जमीना लईआं, वे कादा साडा जिउणा जेकर ये भी हथ ना रहीआं,
करता कहर कानून बनाता ज्यौंदा मार दिता अन्नदाता इहदे हक विच भारत माता कुल जान बोलदा ए उस दी कूक सुने कर रब दे जदों किसान बोलदा ए कूक सुने कर उस दे जदों किसान बोलदा ए। सो दोस्तों हुण ना डोलियो हुण कम निकल गया वजाई भी होगी हाड़ी भी लंघ गई हुण आपां वेलियां फिर खाड़े इत्थे शुरू ने सारे कलाकार तुहाडे नाल ने हुण कोई ना कोई रोज़ तुहानूं इस स्टेज ते मिलिया करूगा जिहड़े भी हुण मैनूं देख रहे ने चाहे वह सोशल मीडिया राहीं देख रहे ने सारे भरावां नूं कि हुण साडी जित दा ऐलान होण वाला हुण टाइम है जिन्हें भी तुसीं घरां च बैठे हो ट्रालियां भर के भैण भरा मोर्चियां ते जिहड़े भी तुसीं बॉर्डर तुहाडे नाल लगदे ने उत्थे पहुंचो ते तां कि आपां सुखी सांदी इह मोर्चा जित के घरे जाइए। परमात्मा अग्गे अरदास करदा कि तुहानू सारिआं नू चढ़दी कला च रखे ते मोर्चे लई अरदास करदा कि परमात्मा सानू फटाफट जेतू करार करके सानू जित दवा के सानू घरां च तोरे ते फिर वधाई दिंदा कि तुसीं बहुत कुछ हंडा के भी तुहाडा सरकार है जिहड़ी सोचदी होणी आ वी किन्हां नाल वाह पै गया सब कुछ निकल गया झखड़ झुल गए पर फिर इन्हां दे हौसले बुलंद ने उदों ही लंगर चलदे ने उदों ही चढ़दी कला च साडे बजुर्ग ने भैणां ने। सो हुण उह दिन दूर नहीं जदों साडी जित दा ऐलान होण वाला है ते सारे भरावां नूं वध चढ़ के जिथे भी तुहाडे बॉर्डर ने हिस्सा लो तां कि आपां इस सरकार नूं दब सकीए। थैंक यू। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਜਿਹੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੈਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं सोचता हूं 15 अगस्त में जो झंडा चढ़ता मैं जिन्हें लोगों ने कुर्बानियां कीतियां इस मुल्क आजाद करवाने के लिए फांसियां ते चढ़ गए कि साढ़े लोगों को न्याय मिलेगा हक मिलेंगे उन्होंने साडा जिहड़ा हिंदुस्तान है जां भारत है यह रंगला होगा उन्होंने सुपनों का होगा तो उन्होंने सोचा नहीं होना कदे भी साडा जिहड़ा ये आजादी है उदों भी भैड़ी उस गुलामी तो भी भैड़ी होगी जिहड़ी कि अंग्रेज करके साडे अपणियां ने सानू गुलाम की सानू ओह आजादी मिल गई जिहड़ी साडे शहीद चाहुंदे सी कुछ उत्थे दिया ने आप सब की नजर करदा मैं नरेंद्र किधर गया मुंडा अपना हो नरेंद्र हुण गाना भी भुल गया मैं 2 मिनट मैं दूंगा फिर मैं तुहानूं सुणाउणा 1 मिनट इस गल दा मैं क्योंकि गाया तो कुछ लैंदा ही थोड़िया जिहियां होईयां ने उह तों पहलां इक गीत होर तू कली नहीं विकी बिके संसार उत्ते हो लगदा है सारा ही जहां विक गया नी तू कली नहीं विकी बिके संसार उत्ते लगदा है सारा ही जहां विक गया मोड़ा उत्ते खड़े हुए सिपाहियां दा की दोष जदों शहर वाला खुद शहनशाह बिक गया ओ कित्थों इंसाफ दी कोई रखूगा उम्मीद कित्थों इंसाफ दी कोई रखूगा उम्मीद जदों जज मूहरे खड़ा ही गवाह बिक गया जदों जज मूहरे खड़ा ही गवाह बिक गया अखां छावे जिन्हां दा ना पाया किसे मुल कौड़ी हो जिउंदे जी जिन्हां दा ना पाया किसे मुल्डी जदों तुर गए तां उन्हां दा ही ना बिक गया परगट दस किवें ओए लगेगा किनारे जदों बेड़ी नूं चलाउंदा ही मला बिक गया ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਓਏ ਬਿਕੂਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਟੇ
ਸੀਨਾ ਬਿਕੂਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਿਕ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰੱਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰੱਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਓ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਤੱਕਿਆ ਹਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੋਇਆ ਤੱਕਿਆ ਹਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੋਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋ ਭਗਤ ਸਿਆਹ ਚੜਨਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦਬਲੀ ਕਰਜੇ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਛੱਡ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਵਤਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦਬਲੀ ਕਰਜੇ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਛੱਡ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਵਤਨੀ ਜਵਾਨੀ ਲੋਕੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਵੀ ਜੇ ਹਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਡੰਗ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬੇਬਸ ਬਾਲ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੀਰਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਿਓ ਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਾ ਬਾਈ ਜੀ ਚਾਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੂਈ 'ਚ ਉਦੋਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਸਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜੂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਲਾਤੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਊ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੜਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ
व्यापारी लोग होंगे ने इन्हों सिर्फ व्यापार सुझदा इन्हों दे दिल नहीं हों दर्द नहीं हों कि किमें गुजारा हों कि ना मेरे याद आ मेरे राइटर प्रगट सिंह गल सुना कमाल की गल आ वो कहता एक शहर के लोगों फांसी लाना शुरू करता तो राजे ने हुक्म करता भी सारे फांसी टंग दो धंधे चौपट हो गए। एक बंदा पुछता व्यापारी कहता अजकल की विक रहा है वह कहता जी फांसी आले रस्सियां की बहुत कमी है जिहड़े नाल टंगे जाते हैं लोग। वो कहता क्यों ना रातों रात फैक्ट्री ला के आप रस्से ही बना लीए फाड़ा टंगण वाले नाले उन्हें पता भी है मेरे गल च भी पैना है। इन्हां दी सोच सिर्फ मुनाफे की हुंदी है। सो मेरे वीरो ये संघर्ष जितना अपने लिए बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का वकार है। मैनू लगता है जे ये संघर्ष आप हार गए तो मैनू लगता अगे कोई संघर्ष होना ही नहीं जिहड़ा आप लड़ सकीए। सो जिन्होंने इत्थे रहना जिहड़े भरावां ने पंजाब च रहना जिन्हें जाना छड्ड के वह तो चले जाणगे पर जिन्हें रहना तो यह संघर्ष जितना साडे वकार है साडे हकों की लड़ाई जितना साडे लई बहुत लाजमी है। सो सारे भरावां नूं वध चढ़ के हिस्सा लो तो जिहड़े भी तुसीं मोर्चे ते बैठे हो तुहानूं सल्यूट करदा कि तुसीं झखड़ भी तुहानूं डुला नहीं सके सरकार तुहानूं तुहाडे हौसलिआं नूं नहीं ढा ला सकी तुसीं उवें चढ़दी कला च बैठे हो बरसातां हुंदीआं ने उह वी चढ़दी कला च उवें लंगर चलदे ने ते इह गल मैं जरूर वध उम्मीद भी है ते वादा करदा कि हुण जदों लोग पिंडां चों उठ गए तां इहनां दा तख्त है जिहड़ा बिस्तरा गोल करके बिस्तरा गोल होगा तो थोड़ा जिहड़ा संघर्ष है ये दुनिया से जाणिया जाऊगा दुनिया के इतिहास च जाणिया जाया करूगा। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।